हेलो दोस्तों, लोग ने आज पांच क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग लगने की आवश्यक शर्त है वायु प्लस CO2 प्लस तापमान, और दूसरे नंबर पे है ईंधन प्लस वायु प्लस तापमान, तीसरा है लकड़ी प्लस वायु प्लस H2O, चौथा है ईंधन प्लस नाइट्रोजन प्लस तापमान। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, हमें आग लगने के लिए फ्यूल और वायु और हीट, जो आवश्यक हीट की उपस्थिति होती है वो हीट चाहिए। तो चलो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्वलनशील वस्तु पर आग का प्रभाव निर्भर करता है फायर लोड की तीव्रता, फायर लोड का धीमापन, ऑक्सीजन की तीव्रता, और चौथा हो जाता है अपना CO2 की तीव्रता। तो इसका राइट आंसर होता है अपने जो फायर लोड की तीव्रता। फायर लोड क्या है, जो भी अपने इमारत के अंदर जो भी वस्तुएं वहाँ पे जो भी लिक्विड हैं, लकड़ी हैं और हैं, उनकी तीव्रता पर निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फायर लोड की तीव्रता। चलो दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। विद्युत द्वारा आग लगने पर सर्वप्रथम हमें क्या करना, क्या बंद करना चाहिए। पहला हो गया दरवाजा, दूसरा हो गया तारिया, तीसरा हो गया बल्ब, और चौथा हो गया अपना मुख्य स्विच। तो इसका राइट आंसर अपने चार नंबर का राइट आंसर है, जो मुख्य स्विच है उसको हम सर्वप्रथम बंद करेंगे, और जो अपने भवन के अंदर जो भी सप्लाई है वो कट हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए कौन सा फिक्स्ड इंस्टॉलेशन काम में लिया जाता है। पहला हो गया राइजर सिस्टम, सेकंड एक्सटिंग्विशर, और तीसरा एयर वाल्व, चौथा CO2 सिस्टम। तो इसका राइट आंसर एक नंबर हो जाएगा राइजर सिस्टम, जो अपने राइजर सिस्टम लगाते हैं, जो हर मंजिल की ओर एक उसका इनलेट वाल्व लगा रहता है। पांचवा क्वेश्चन है अपना भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया, जो अपना पहला भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। एक नंबर जयपुर, दो नंबर दिल्ली, और तीसरा बेंगलोर, और चौथा भुवनेश्वर। तो दोस्तों, आपको पता हुआ इसका भी राइट आंसर, तो इसका चौथा अपना राइट आंसर है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो उड़ीसा सरकार ने सर्वप्रथम भारत का पहला फाइबर स्थापित किया गया। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारतीय मानक के अनुसार हाइड्रन पाइपलाइन के लिए कलर कोडिंग क्या है। जो अपना भारतीय मानक है उनके अनुसार हमारे हाइड्रन पाइपलाइन पे कौन सा कलर करना चाहिए। हमें पहला ऑप्शन दे रखा है हरा, और सेकंड ऑप्शन है काला, थर्ड ऑप्शन लाल, और चौथा ऑप्शन है नीला। तो हमें भारतीय मानक के अनुसार लाल कलर से हमें हाइड्रन पाइपलाइन को कोडिंग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, लाल रंग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निकास मार्ग की चौड़ाई निर्धारित करता है। तो अपना ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अपने निकास मार्ग की चौड़ाई कौन निर्धारित करता है, फायर एग्जिट डोर की चौड़ाई कौन निर्धारित करता है। चलो दोस्तों, देखते हैं ऑप्शन में पवन में मौजूद सामग्री, और सेकंड ऑप्शन है इसका सही क्षेत्र, और थर्ड में भोक्ता का बार, फोर्थ में पवन गेम से। तो अपने निकास मार्ग की चौड़ाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, भोक्ता का बार, ऑक्यूपेंसी की हमारे फायर एग्जिट डोर का चौड़ाई का निर्धारण करती है। चलो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिपोर्ट किस आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। ये पूछना चाहता है कि रिपोर्ट किस आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करती है, जो अपनी फाइन रिपोर्ट है वो किस निष्कर्ष पर प्रस्तुत करेंगे। जो पहला दे रखा है इसके अंदर प्रभाव, सेकंड ऑप्शन है सिद्धांत, और थर्ड ऑप्शन है संस्थान, और चौथा ऑप्शन है जांच इन्वेस्टिगेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन्वेस्टिगेशन, जांच। हम जांच के आधार पर रिपोर्ट का निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। लैंडिंग वाल का आईएस कोड क्या है, जो अपने लैंडिंग वाल है उसका आईएस कोड पूछा पाते हैं, मतलब क्या है। इसका पहला ऑप्शन हो जाता है दोस्तों 21 नंबर, सेकंड 49, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 52 नंबर, और फोर्थ ऑप्शन है 98। तो 21 नंबर दोस्तों आपको पता है फायर अग्निशामक का होता है, सेकंड ऑप्शन 49 दे रखा है ये अपना यू टू टाइप का होता है, और बाउंड नंबर में लर्निंग वाल का आई एस कोड होता है, 58 में अपने फॉर्म एंड प्रेस टेंडर का होता है। तो इसका स्टिक एंड राइट आंसर होगा दोस्तों बाउंड नंबर में लर्निंग वाल का आई एस कोड रहता है। चलो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यू टू टाइप शामक का जीवन काल कितना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा 3 वर्ष, और सेकंड में दे रखा 12 वर्ष, थर्ड में दे रखा 10 वर्ष, और चौथे में दे रखा 15 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 वर्ष, जो अपने यू टू टाइप अग्निशामक का जीवन काल होता है। और इसकी